राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 सितंबर को देवघर आ सकते हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से देवघर और झारखंड शासन को इस बात की जानकारी दी गई। संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि राष्ट्रपति विश्व विख्यात देवघर मंदिर में पूरे परिवार के साथ दर्शन पूजन कर सकते हैं। इस सूचना के बाद देवघर SDO ने मंदिर पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तावित है 29 तारीख को, और उनके सामने ऐसी सूचना दी गई है कि फर्स्ट लेडी भी साथ में आने वाले हैं। तो जो उनका मुख्य तौर से प्रोग्राम है वो बाबा मंदिर में भ्रमण है, पूजा दर्शन करना है। इसी की तैयारी को देखते हुए अभी मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। इसके अंतर्गत यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति का भव्य रूप से हम लोग स्वागत कर सकें, उनकी पूजा अर्चना में उनको हम लोग सहयोग दे सकें, इसके लिए तैयारी करवाई जा रही है। साथ साथ में सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी जो डिप्लॉयमेंट होना है उसकी भी व्यवस्था देखी गई है, और आगे आने वाले समय में हम लोग मंदिर को किस प्रकार से और सुंदर बना सकें ताकि जो आम श्रद्धालु भी आ रहे हैं उनका अच्छे से दर्शन हो सके, उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और सब विशेष क्या दिशा अन्य राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर की साफ सफाई शुरू करा दी है। साथ ही सुरक्षा स्थिति का भी जायजा लिया जा रहा है। पूरी तैयारी राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया जा रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए देवघर से विजय कुमार की रिपोर्ट।